This तो टुडे वी हैव conference will स्टार्ट now फॉर be recorded. आई एम का कॉन्सेप्ट है कि आई एम के अंदर देयर आर टू टाइप्स, दो चीजें आपको बढ़ाई जाएंगी. एक आपका होगा आई ए एम पॉलिसी और दूसरी जो आपको बताई जाएगी गाइस यहां पे वो बताया जाएगा आई ए एम रोल. तो रोल का ऑप्शन आपने काफी जगह पढ़ा भी होगा कि जब भी आप वर्चुअल मशीन बनाते हो तो स्टैटिक आईपी जब आप पब्लिक आईपी सिलेक्ट करते हैं तो उसके नीचे का ऑप्शन आई एम रोल का आई ही आता है, या इसके बाद आप जब बकेट बनाते हो तो बकेट के अंदर भी आई एम रोल का ऑप्शन आता है. आपने लोड बैलेंसर या कुछ भी चीज क्रिएट करे होंगे आपके हर जगह आई एम रोल का ऑप्शन आता है. सो गाइस पॉलिसी और रोल, तो कुल मिला के अगर मैं अदर वर्ड में बोलूं तो आई ए एम इज अ सिंपल सा बोलूं कि जो हमारे रोल और पॉलिसीज हैं ये जो अप्लाई होती हैं वो अप्लाई आपकी होती है यूजर्स ग्रुप्स एंड रिसोर्स. रिसोर्स लाइक मैं यहां पे एक नाम दे देता हूं S3 EC2 जो भी आपके रिसोर्सेस हैं. यानी कि पॉलिसी और रोल दोनों में क्या डिफरेंस है कि हमारे पास IAM की बात करें तो IAM के अंदर हम लोगों ने, या फिर अगर मैं बात करता हूं एक अदर टर्म्स में कि हम लोगों ने अभी तक यहां पे अगर देखें तो हम क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं वो चीज पहले मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं आप लोगों को. हम लोग सिक्योरिटी ग्रुप पढ़ चुके हैं, सिक्योरिटी ग्रुप हमारा क्या होता है, सिक्योरिटी ग्रुप के बाद हमने अपना की पेयर पढ़ा था, की पेयर के बाद हम लोगों ने अपना इंस्टेंसेस पढ़े थे, देन लोड बैलेंसर ऑटो स्केलिंग, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था अपना वीपीसी. वीपीसी के अंदर काफी सारी चीज थी, S3 स्टोरेज हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है. S3 के अंदर भी हमारा काफी सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा है, SNS हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना, वर्जनिंग वगैरह पढ़ा था, जो भी है वट एवर. उसके बाद वो वीपीसी के अंदर आ गया सारी चीजें, ये चीजें हमने पढ़ी थी. इसके अलावा मैं अगर बात करता हूँ CLOUD क्लाउड ट्रेल में ले लेता हूँ, यहाँ पर क्लाउड फ्रंट हम ले लेते हैं, या मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पर EFS हम ले लेते हैं, RDS ले लेते हैं, जो भी ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं गाइस डोंट वरी, RDS हम ले लेते हैं, Route 53 हम ले लेते हैं. गाइस अब IAM का मतलब क्या है कि मैं कहता हूँ सिंपल सा कि मेरे पास तीन यूजर्स हैं. तीन यूजर्स की अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास एक यूजर का नाम संदीप है, एक का नाम अजय है, और मैं कहता हूं एक का नाम राकेश है. मैं चाहता हूं कि संदीप जो काम करे ओनली फॉर वीपीसी. तो गाइस संदीप वीपीसी के अलावा कुछ और काम नहीं कर सकता क्लाउड में. मैंने पॉलिसी लगा दी द ओनली अलाउ फॉर वीपीसी. अजय जी के लिए मैंने यहां पे लगा दी कि अजय जी काम कर सकते हैं लाइक EC2, और राकेश को मैंने दे दिया S3. यानी कि संदीप खाली वीपीसी के अलावा ना ही सिक्योरिटी ग्रुप बना सकता ना ही कीपर, ये सारी चीज उसके लिए ऑटोमेटिकली डिनाई हो जाएंगी. यानी कि क्लाउड पर आप रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते हैं कि आप क्लाउड की कौन सी सर्विस पर्टिकुलर किस यूजर के लिए अलाउ करना चाहते हैं. दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट.
अगर आपसे कभी भी कोई भी पॉलिसीज, कोई भी सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन करने के लिए कि आप, मैं चाहता हूं कि आप S3 के अंदर पर्टिकुलर से बकेट्स को अंदर डेटा रीड कर सको, ना ही क्रिएट कर सको ना ही डिलीट कर सको, आप बकेट को डिलीट नहीं कर सकते, क्रिएट कर सकते हो। तो गाइज अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी टाइप्स की कोई भी पॉलिसीज बनानी है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, IAM, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। और ये जो पॉलिसीज हैं ये या तो पर्टिकुलर यूजर पे आप अप्लाई कर सकते हो या आप पर्टिकुलर ग्रुप पे। तो यूजर और ग्रुप का क्या कॉन्सेप्ट है, द ग्रुप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूजर्स। यानी कि अगर मेरे को कहता हूं 10 लोगों को वीपीसी के राइट्स देने हैं, या तो मैं एक एक करके 10 बार पॉलिसी अटैच करूं, या मैं क्या करूंगा एक ग्रुप को वो अटैच कर दूंगा, उस ग्रुप के अंदर उस यूजर को ऐड कर दूंगा, तो 10 यूजर्स को ऐड कर दूंगा रेदर देन कि मैं एक एक यूजर पे जाके पॉलिसी लगाऊं। तो बेटर है कि क्यों, क्योंकि अगर मैंने एक यूजर को 20 पॉलिसीज भी देनी है तो मैं उसको 20 ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा, लेकिन मैं अगर 100 यूजर्स को 20 20 लगानी है तो वहां पर मुझे कितनी पॉलिसी लगानी पड़ जाएंगी, 200 पॉलिसी लगानी पड़ जाएंगी, जिसमें मेरा बहुत ज्यादा टाइम है, और फिर मुझे रिमूव करनी होंगी तो उतना ही टाइम मेरा रिमूव करने में भी है। बट इसलिए मैं क्या करता हूँ, हर पॉलिसी का ग्रुप बना देता हूँ, अब मुझे जिस यूजर को जिस पॉलिसी देनी है उस ग्रुप में डाल दूंगा, नहीं होगी तो वहां से रिमूव कर दूंगा। गॉट इट द पॉइंट गाइज, द यूज ऑफ IAM की लाइक मैं यहाँ पर सर्विस एलोकेट करना चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कि संदीप को ओनली आपके वीपीसी के एक्सेस मिले, अजय जी को खाली एक्सेस मिले लाइक मैं कहता हूं EC2 के, कहां गया EC2, लिखा ही नहीं, कोई नहीं, क्लाउड फ्रंट दे देते हैं, या राकेश को मैं बोलता हूं S3 के। इज इट क्लियर एवरीवन, एनी डाउट? गाइस माइक्रोसॉफ्ट में इसी चीज को आप लोग बोलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी। अजूरे एडी के अंदर यही चीजें हैं, और यहां पर इसको क्या बोला गया है, IAM, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड पे अजूरे एक्टिव डायरेक्टरी का जो पार्ट आता है, वहां पर भी आप यूजर्स बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, और किस यूजर्स को क्या परमिशन देनी है, वही चीज यहाँ पर है कि IAM के अंदर भी आप यहाँ पे यूजर बनाओगे, ग्रुप बनाओगे, किस ग्रुप को क्या परमिशन एलोकेट करनी है। गाइज इज इट क्लियर, प्लीज रिप्लाई। यस सर, क्लियर है। समझ में आया? यूज अश्वनी, प्रवीण, आदित्य, अंकित, तेजस्वनी, विधि, सर बोला मैंने, यस सर बोला। कोई नहीं भाई, कोई नहीं यार, मैं दोबारा सुनने जा रहा हूँ, कभी कभी मन कर जाता है यार। तो चलिए गाइस, तो अब यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, आप में से मुझे ये बताइए कि ऑनलाइन कौन कौन बैठा है मोबाइल लैपटॉप पे। मैं बैठा हूँ सर। अजय जी लैपटॉप पर है, और कौन है, बलजीत लैपटॉप पर है, और कौन है गाइस, उम्मीद करूंगा बाकी सब पढ़ने वाले ही हैं। एक गुरमीत भी लैपटॉप पे बैठा होगा। चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। आई एम क्रिएटिंग यूजर, सबसे पहले हाउ टू क्रिएट यूजर एंड हाउ टू लॉग इन यूजर। How to create? अबे यार कहाँ गया? How to create user? So guys देखो सिंपल सा लॉजिक है। अभी तक आप लोग अपना पोर्टल लॉग इन करते थे, वहां पे दो ऑप्शंस आते थे, रूट और IAM। अब पता लगा IAM में कौन लॉग इन करेगा, जो यूजर मैं क्रिएट करूंगा, अब जो यूजर मैं क्रिएट करूंगा वो यूजर आपके IAM में लॉगिन होंगे, इसलिए वहां पे दो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक रूट, रूट का मतलब एडमिन,
और एक आई एम यूजर जो अब मैं क्रिएट करूंगा वो आपको आई एम यूजर में जाके लॉगिन करने पड़ेंगे। तो हाउ टू क्रिएट यूजर, और गाइज मैं यहाँ पर तीन यूजर क्रिएट कर रहा हूं क्योंकि बाकी सब लोग अपने मोबाइल फोन पे हैं तो वो लोग सिर्फ देख ही सकते हैं। तीन नहीं, मैं यहाँ पे चार यूजर क्रिएट करने वा रहा हूँ और वो चारों लोग अपने अपने नाम पहले ही लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। वन नंबर पे गुरमीत, सेकंड नंबर पे जो मैं नेम लिख रहा हूं अजय जी, और थर्ड नंबर पे नेम है बलजीत। गाइज आप लोग लैपटॉप पर हो ना, जिन जिन के नाम लिख रहा हूं मैं, एंड एक और मैं लिख देता हूं यहाँ पर राकेश। तो राकेश मतलब कि मैं अपना ही ले रहा हूं। तो ये चार यूजर मैं बना रहा हूं गाइज। अब मैं आपको बताता हूँ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर्स। यहाँ पर भी आपके पास यूजर एक्सेस की बात कर रहे हैं हम। तो गाइज यूजर एक्सेस की अगर मैं बात करता हूं, तो देयर आर टू टाइप्स के आपके पास यूजर एक्सेस है, या मैं कहता हूँ थ्री टाइप्स बना देते हैं। यहाँ पर आपके पास यूजर एक्सेस थ्री टाइप्स के हैं। पहला यूजर वो जो सिर्फ ग्राफिक यूजर GUI पे लॉगिन करना होता है, कि वो सिर्फ ग्राफिक ही काम कर सकता है, कमांड प्रॉम्प्ट पे काम नहीं कर सकता, तो आप GUI वाला यूज करोगे लाइक विंडोज पर ही। या आप चाहते हो कि आपका यूजर CLI पे काम करे, लाइनक्स पर या डॉस पे, या आप चाहते हो आपका यूजर GUI प्लस CLI दोनों पे काम करे। तो ये तीन टाइप्स के एक्सेस है जो आप अपने यूजर्स को दे सकते हो। तो जब भी आप यूजर बनाओगे तो आपसे वो ये तीनों एक्सेस पूछेगा कि आप खाली ग्राफिक यानी कि ग्राफिक पे लॉगिन होने के राइट देना चाहते हो, या CLI के राइट देना चाहते हो, या GUI विद CLI के राइट देना चाहते हो। इज इट क्लियर गाइज तीनों एक्सेस? सो गाइज जस्ट वेट 2 मिनट्स। वेट गाइज वेट 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 2 मिनट्स। अब गाइस वन मोर थिंग कि यहां पर अब उसके बाद आपका आता है सेम एज यहां पर आता है पासवर्ड पॉलिसी। पासवर्ड पॉलिसी के अंदर भी आपके पास दो पॉलिसीज होंगे। जब आप यूजर क्रिएट करेंगे तो आपसे पासवर्ड का भी होगा। एक है कस्टम पासवर्ड, कस्टम मतलब आपको बता रखा है लाइक ASD@1234 आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पासवर्ड रखते हो। तो कस्टम का मीनिंग है कि आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जो मैं पासवर्ड डालने वाला हूँ, मैं सबका यही पासवर्ड रखने वाला हूँ, मैंने पहले ही मेंशन कर दिया आपके यूजर का। एंड एक होता है ऑटोमेटिक, ऑटो जनरेट बाई AWS। यह आपका एक पासवर्ड होगा जो कि आपके पास क्या होगा, AWS ऑटोमेटिकली जनरेट करके आपको देगा। बाद में आप चेंज कर सकते हो पासवर्ड, लेकिन साथ में यहां पर आपके पास एक और चीज आएगी, पासवर्ड पॉलिसी। पासवर्ड पॉलिसी का मतलब कि यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन आएगा कि टिक करने के लिए, कि आपको टिक बॉक्स यानी कि अपने एक बॉक्स बनाएगा
और उस बॉक्स के पास ऑप्शनल है आपको टिक करना या नहीं करना। बाय डिफॉल्ट टिक का मतलब है यूजर चेंज पासवर्ड इन फर्स्ट लॉगिन। यूजर जैसे ही लॉगिन होगा तो पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन मिले या ना मिले। तो अगर आप यूजर को पासवर्ड चेंज करने के ऑप्शन नहीं मिलेंगे, अदरवाइज यूजर जैसे ही लॉगिन करेगा उसको पासवर्ड चेंज करने के ऑप्शन मिलेंगे। लाइक जैसे आप फर्स्ट टाइम अपनी नेट बैंकिंग पे लॉगिन होते हो तो वहां पे आपका पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आता है। ओल्ड पासवर्ड आपको मैंने दिया है एडमिन ने, और आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पासवर्ड अपने यूजर का ऐड कर सकते हो। हाँ भाई, नहीं दोनों में ही है, मैंने इसलिए बीच में से एरो लेके आया। इज इट क्लियर गाइज? इतना क्लियर? यूजर इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें पूछेगा वो? यस सर। तो हाउ टू क्रिएट यूजर लॉगिन विद पोर्टल, हम ऑलरेडी पोर्टल से लॉगिन है। एंड गो टू सर्विसेज, और सर्विसेज में जाने के बाद हम लोगों को जाना है IAM। सो इधर कहाँ है IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, और आप लोग यहाँ से सर्च भी कर सकते हो इसको। और IAM में आप देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ रहे होंगे, यूजर्स का सबसे पहला ऑप्शन आएगा ग्रुप एंड यूजर्स। तो ऑलरेडी मेरे यहाँ पे तीन यूजर्स बने हुए हैं, मैं इन तीनों यूजर्स को डिलीट कर देता हूँ। तो 90 डेज से भी ज्यादा हो चुके हैं इनको बने हुए। तो यूजर पे क्लिक करना है तो क्लिक ऑन यूजर्स एंड एड यूजर्स एंड गिव द यूजर नेम, लाइक का AJAY अजय, अजय के नाम से एक यूजर बनाना है। गुरमीत के नाम से यूजर बनाना है, GURMEET है, गुरमीत के नाम से यूजर बनाना है। और बलजीत आप भी लैपटॉप पे हो, आई थिंक सो, BLJEET बलजीत के नाम से, और राकेश। तो आपके ऊपर, आप चाहे एक बनाइए चाहे आप 10 यूजर बनाइए। देन एक्सेस टाइप, एक्सेस टाइप का मतलब है प्रोग्रामेटिक, यानी कि आप CLI एक्सेस देना चाहते हो या कंसोल एक्सेस ग्राफिक्स, या आप दोनों। तो मैं दोनों पे टिक कर देता हूं, यानी कि CLI विथ GUI। देन नेक्स्ट कंसोल पासवर्ड, ऑटो जनरेट या कस्टम, मैं चाहता हूं कस्टम पासवर्ड, यानी कि सभी का पासवर्ड मैं अपने अकॉर्डिंग रख रहा हूं। लेकिन लास्ट में देखिए, पासवर्ड रीसेट, यूजर मस्ट गेट अ न्यू पासवर्ड इट नेक्स्ट साइन इन। अगर मैंने इसको टिक कर दिया तो यानी कि आपके पास पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आएगा, और अगर इसको नहीं करता हूं तो यही फिक्स पासवर्ड हो जाएगा जो मैंने आपको दिया है। तो बेटर के आई एन यू क्रिएट द यूजर, आपको ये राइट देने पड़ेंगे कि यूजर अपना कोई भी पासवर्ड रख सके। सो यूजर मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड, सो मैं टिक करता हूँ। नेक्स्ट परमिशन, कोई परमिशन एलोकेट नहीं कर रहा मैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड क्रिएट यूजर, और मैंने यहां पर अपने यूजर क्रिएट कर दिए। दिस पॉइंट अप्लाई ओनली फर्स्ट टाइम, जब यूजर ने पासवर्ड चेंज ही कर लिया दोबारा नहीं पूछेगा, वो फर्स्ट टाइम ही आएगा। सो गाइज यहाँ पे देखिए मेरे चार यूजर्स बन चुके हैं। सो अब आप लोगों को, अगर ये अकाउंट से यूजर्स को लॉगिन करना है तो यूजर कैसे आप लॉगिन करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, उसी तरीके से आप लोग अपने अपने लैपटॉप पे फॉलो करेंगे। दिस इज अकाउंट आईडी, ये अकाउंट आईडी है क्योंकि मैं एडमिन हूं, तो मेरी अकाउंट आईडी आपको चाहिएगी। तो मैं अकाउंट आईडी शेयर कर रहा हूँ, बलजीत और अजय आप ही करेंगे और कोई नहीं करेगा। चेक करना चाहते हो अपने एंड पे कर सकते हो, और नहीं भी करना चाहते हो तो मत करिए, आप यहाँ पे देखते रहिए। सो यहाँ पर मैंने क्या करा, ये अकाउंट आईडी आपको शेयर कर दिया, और अगर आपको अकाउंट लॉगिन करना है तो आई एम जस्ट लॉग इन विद इनकॉग्निटो विंडो, मैं गया 3 डॉट्स पे और मैंने यहाँ पे इनकॉग्निटो विंडो को ओपन करा। AWS Amazon वेब सर्विसेज पे गया, एंड Amazon वेब सर्विस पे जाने के बाद देयर द ऑप्शन इज कमिंग फॉर IAM यूजर, और IAM यूजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मेरी अकाउंट डिजिट डालनी पड़ेगी जो मैंने आप लोगों को चैट बॉक्स में भेजी है। गुरमीत लॉगिन करो, और अकाउंट डालने के बाद नेक्स्ट यूजर नेम और पासवर्ड। अब ये आपसे पूछेगा यूजर नेम और पासवर्ड, तो यूजर नेम RAKESH राकेश, एंड पासवर्ड इज ASD@1234 एंड साइन इन। और देखिए जैसे ही मैंने साइन इन करा,
गाइस इतना करिए, अजय जी कर रहे हो, बलजीत करिए, मैं वेट कर रहा हूं। आईएम पे जाइए, वहां पर अकाउंट आईडी पेस्ट करिए, देन नेक्स्ट करिए, देन यूजर नेम और पासवर्ड ऐड करिए। आपके नाम से ही आप लोगों के यूजर नेम है, और आप देखिए वहां पर पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन अपने आप ही आएगा आप लोगों के पास। अबे अपना डालो गुरमीत, ASD@1234 यही डाला है कॉमन पासवर्ड। अभी क्लास में हो नहीं हो तुम? अजय जी लॉगिन करा, यहाँ पर गाइस पासवर्ड चेंज करना है तो ASD@1234 ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड आप कुछ भी डाल सकते हो। और चेंज कंफर्म पासवर्ड, और ये मैंने यहाँ पर पासवर्ड से इस यूजर से लॉगिन हो गया। इज इट क्लियर बलजीत? और अब आप लोग कुछ काम करके देखिए क्या कर पा रहे हो, काम करके देखिए कुछ। हाँ लॉगिन होने के बाद सिक्योरिटी ग्रुप बनाओ या कुछ भी बना के देखिए, बकेट्स बना के देखिए, कुछ काम कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। कुछ भी काम करिए गाइस, आप कोई काम नहीं कर सकते हो क्योंकि मैंने आपके लिए यूजर बनाया है, मैंने कोई परमिशन एलोकेट नहीं करी थी। और मैंने जब परमिशन एलोकेट नहीं करी थी तो आप यहाँ पर कोई भी काम नहीं कर सकते हो। लाइक अगर आप S3 स्टोरेज के अंदर भी जाते हो, VPC पे जाते हो, व्हाटएवर, आप कुछ भी काम करिए, आपके पास हर जगह एक्सेस डिनाइड लिखा आएगा, तो आप कुछ क्रिएट नहीं कर सकते। आप देखिए यहाँ पे भी लिखा आ रहा है क्लियरली, यू हैव डोंट हैव ए परमिशन टू द लिस्ट इज बकेट व्हाटएवर, क्योंकि सारी चीज मेरे एंड से क्या है, ब्लॉक्ड है। इतना क्लियर गाइज, हाउ टू क्रिएट यूजर एंड हाउ टू लॉग इन विद यूजर, इज इट क्लियर गाइज? राइट यस सर। अब क्या करना है, अपने अपने यूजर से देखिए, वहां पे आपका यूजर नेम @ मेरी आईडी लिखी आ रही होगी, लॉग आउट हो जाओ, साइन आउट हो जाओ। अरे भाई मेरी आईडी चल रही है, साइन आउट हो जाओ। अरे यूजर से साइन आउट हो जाओ। बस अब गाइस करना क्या है, मैं यहाँ पे डुअल ऑथेंटिकेशन देना चाहता हूँ। लाइक अगर किसी को मेरा यूजर नेम पासवर्ड पता लग जाए तो वो तो लॉगिन हो जाएगा, यस और नो, हो जाएगा या नहीं होगा गाइस? सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एलोकेट करना चाहता हूँ, यानी कि मैं चाहता हूँ OTP कंसेप्ट कि आपके मोबाइल से जब तक कोड जनरेट ना होगा जब तक मेरा यूजर लॉगिन नहीं होगा। तो लेट्स स्टार्ट। सो आपको क्या करना है, अपने गूगल बाबा पे जाना है, नाम तो सुना ही होगा सबने, और गूगल जी पे जाके आप लोगों को प्ले स्टोर में जाना है, अपने अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए। हाँ, और यहाँ पे जाके आपको एक ऐप अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करनी है, गूगल ऑथेंटिकेटर। सबको नहीं, जो सिस्टम पे लॉगिन है, तू कर ले मेरी तरफ से तू कर ले। ये वाली जो ऐप है गाइस, ये वाला लोगो आ रहा होगा, गूगल ऑथेंटिकेटर, ये वाली ऐप अपने मोबाइल में, अजय जी, बलजीत, गुरमीत, ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए। कोई सर डाउनलोड हो गई। अब यही स्टेप मैं 4 बार कराने वाला हूं, तो ध्यान से देखना। बलजीत अपना मोबाइल, अपना हेडफोन ऑन रखना। आप सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट कर रहा हूँ, हाउ टू ऐड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन विद यूजर। तो लिखने से नहीं होगा, देखने से होगा। ये मल्टी फैक्टर MFA डिवाइस, हाउ टू ऐड MFA डिवाइस मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी कि आपका जो मोबाइल है मैं उसको मैप कर रहा हूँ यूजर के साथ। अब जब तक आपका कोड जनरेट नहीं होगा आपके मोबाइल से, जब तक आपका यूजर लॉगिन नहीं होगा। तो लेट्स स्टार्ट फॉर द बलजीत। सबसे पहले मैं बलजीत से स्टार्ट कर रहा हूँ। सो आई एम जस्ट गो टू अपने रूट यूजर पे जाता हूँ और क्लिक ऑन बलजीत यूजर। जिस भी यूजर को आप MFA डिवाइस देना चाहते हो, 4 टाइम्स करूंगा गाइस मैं ये। क्लिक ऑन बलजीत एंड सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स। यूजर पे क्लिक करने के बाद सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स पे जाना है, और यहाँ पे आने के बाद देखिए, अगर आप पासवर्ड भूल भी जाते हो तो आप यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हो मैनेज में जाके।
लाइक यूजर अपना पासवर्ड भूल जाता है तो आप दोबारा से यहाँ पे पासवर्ड उसका रीसेट करके दे सकते हो और वो दोबारा से अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे दोबारा से वही ऑप्शन आप टिक कर देना, यूजर जैसे ही लॉग इन करेगा वो अपना पासवर्ड दोबारा, अगर आपका यूजर पासवर्ड भूल गया है तो ठीक है। एंड दूसरा ऑप्शन देखिए, असाइन MFA डिवाइस इज नॉट असाइन। यहाँ पर अभी मेरा कोई भी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन डिवाइस अटैच्ड नहीं है, आई एम जस्ट क्लिक ऑन मैनेज एंड वर्चुअल MFA डिवाइस कंटिन्यू। बलजीत आर यू देयर? उस ऐप से ये QR कोड स्कैन करो। कर रहा हूँ। उस ऐप के अंदर ऑप्शन आ रहा होगा QR कोड स्कैन करने का। हो गया स्कैन। दो कोड मेरे को बैक टू बैक दो। 544504 अभी दोबारा चेंज हो जाएगा विद इन 15 to 30 seconds के बीच में। ये बैक टू बैक कोड ही ऐड करने हैं आपके, अगर विद इन 30 seconds नहीं डाला तो आपका लॉगिन नहीं होगा यूजर। बताओ नया कोड आ रहा है सर, एक मिनट। 591365 एंड असाइन MFA डिवाइस क्लोज। बलजीत अब अपना यूजर लॉगिन करिए। अजय जी अपना माइक ऑन कर लिए, बलजीत आप ऑफ कर लिए, अपना यूजर लॉगिन करिए। सो जब आप अपना यूजर लॉगिन करेंगे तो बलजीत होगा क्या, पहले जैसे आप यूजर लॉगिन करेंगे तो आपका पासवर्ड पूछेगा, उसके बाद वो MFA डिवाइस का कोड, और आपको अपने मोबाइल में से नया कोड हर बार जनरेट होगा, वो कोड ऐड करना पड़ेगा, तब आपका यूजर लॉगिन होगा। अजय जी सर आपने कर लिया डाउनलोड? मेरे पास है, ऑथेंटिकेटर है। अजय जी एंड सिक्योरिटी क्रेडेंशियल एंड मैनेज एंड वर्चुअल MFA डिवाइस कंटिन्यू, और सर प्लीज स्कैन करिए। एक सेकंड सर, आप लोग नहीं कर, लॉगिन करने की जरूरत नहीं है यूजर अभी, अभी थोड़ी ना। कितना सर? 5 3 4 3 4 8 3 0 जब तक मैं ऐड नहीं करूंगा, जब तक MFA डिवाइस नहीं पूछेगा वो, जब तक तो विदाउट MFA डिवाइस के लॉगिन होगा, जब यहाँ अटैच हो जाएगा तब कोड आएगा। सर बताइए 9 2 7 9 2 7 5 6 5 6 असाइन MFA डिवाइस। क्या हो गया भाई? सर कोड गलत है, दोबारा बताइए दो कोड मेरे को फिर से। एक मिनट मैंने ऑलरेडी मोबाइल पे किया हुआ था कहीं। चले कोई नहीं, मैंने नहीं, नहीं सर जो लेटेस्ट आएंगे वही कोड देना है, यूज कोड नहीं देना है, जो लेटेस्ट कोड है, कोड चेंज होता रहेगा अपने आप। स्कैन करिए दोबारा से। जो लेटेस्ट होगा ना वही कोड देना है, जो जा चुके हैं उन कोड की कोई वैल्यू नहीं है। हो गया स्कैन सर? हाँ जी बताइए सर कोड। 306 306 अरे नहीं चेंज हो गया, 994 994 नहीं 994 पूरा बोल रहा हूँ। डबल क्या सर, कैंसिल हो जाता है वो, उसके पास टाइम नहीं होता इतना। दोबारा सर मेरे पास मैंने MFA सर पहले ही एक्टिवेट किया हुआ था अपने अकाउंट पे। अच्छा हाँ, इस वजह से वो चार लाइन आ रही है मेरे पास लगातार। अरे सर चलिए कोई नहीं, आप समझ तो गए ना। हाँ मैं बस कॉन्सेप्ट मालूम, मैं यूज ही कर रहा हूँ रहता है ऑलरेडी। चलिए तो मैं किसी और को ले लेता हूँ। बलजीत आपका हो गया? चलिए मैं अपने यूजर पे एक अटैच कर लेता हूँ, पहले मैं गुरमीत को भी करा दे, मैं अपना गुरमीत को भी करा देता हूँ पहले। सो फिर मैं राकेश यूजर पे करके आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा गाइस। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन यूजर एंड क्लिक ऑन गुरमीत एंड सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स एंड देन क्लिक ऑन मैनेज एंड वर्चुअल देन कंटिन्यू स्कैन कोड। अरे हो गया स्कैन। अरे भाई यहां से कर लेता इतनी देर।
कोड बताओ। 3415542। दूसरा कोड अभी चेंज हो जाएगा। फाइव वन नाइन एट फाइव सेवन। सो गाइज ये दो ऐड हो चुके हैं, मैं एक और यूजर पे ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अब ऑनलाइन दिखाना है। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन राकेश एंड देन सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स एंड देन मैनेज एंड वर्चुअल एमएफए डिवाइस। सेवन थ्री नाइन सेवन वन एट नाइन वन फाइव वन एट फाइव। इज इट क्लियर गाइज? सबका क्लियर है कैसे एम एफ ए डिवाइस अटैच करेंगे? और अब मैं अगर दोबारा इस यूजर से लॉग इन होता हूं तो लाइक आई एम जस्ट क्लिक, और अब मैं दोबारा से सिलेक्ट आई ए एम, गिव द अकाउंट आई डी। सो अकाउंट आई डी क्या है मैं भूल गया, मैं तो कॉपी कर लेता हूँ दोबारा से। राकेश एंड पासवर्ड था ASD@1। अब चेंज कर ले गई। ये देखिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी कि पासवर्ड डालने के बाद मैंने MFA डिवाइस ऐड कर दिया तो कोड जब तक आप नहीं दोगे नहीं करेगा। कोड बता भाई, उसी में ही आएगा कोड, वही चेंज हो रहेंगे। 1287 23, यहीं पर ही कोड आएगा हर बार। कोड आपको गूगल ऑथेंटिकेशन ऐप से ही मिलेगा। इज इट क्लियर एवरीवन? जब तक चेंज नहीं होता वो तो भी उससे पहले ही कोड डालना पड़ेगा, नहीं तो नया कोड डालोगे आप। हाँ हाँ तो यही है ना, यही इतना ही टाइम उसमें है। इज इट क्लियर एवरीवन? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या कॉन्सेप्ट है कि अब अगर आपका कोई यूजर नेम पासवर्ड भी पता लग जाए तो जब तक आप कोड नहीं पास करोगे, जब तक बाइडेन कोड नहीं पास करेगा जब तक परमाणु हमला नहीं होगा। नेट बैंकिंग है यार, पैसा करना है, ओटीपी ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है गाइस? कोई तो रिप्लाई दे दो, सो जाते हैं क्या सब लोग? क्लियर है सर। यस सर क्लियर है। यस सर। आई बाकी और भी तो है कुछ लोग? यस सर। चलो यार अब नाम लेके पूछना पड़ेगा। विधि, तेजस्विनी, अंजलि, क्लियर है? यस यस सर। यस सर। क्या बात है। देवव्रत, मनोज, परवीन, यस सर। चलो नहीं हो तो कोई बात नहीं यार, खुद से कर लेना क्लियर, तब हो जाएगा। सो ये तो थी अभी तक यूजर की बात। अब हम बात करते हैं ग्रुप्स, हाउ टू क्रिएट ग्रुप एंड हाउ टू ऐड यूजर इन अ ग्रुप। अभी पॉलिसीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अब हम बात कर रहे हैं ग्रुप्स की, कि आप ग्रुप्स कैसे क्रिएट करोगे और यूजर्स को कैसे आप ग्रुप में ऐड कराओगे। मोबाइल में चलेगी, लैपटॉप पे नहीं, डाल के देखी नहीं है, देख लो। अब आता है आपका गाइस यहां पर नेक्स्ट कि हाउ टू क्रिएट ग्रुप्स। सो क्लिक ऑन ग्रुप। यहाँ जो दो ग्रुप बने हुए हैं मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, एग्जिस्टिंग ग्रुप्स को। और गाइस मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू ग्रुप और ग्रुप नाम दे रहा हूँ मैं यहाँ पर S3-FU फुल एक्सेस, यानी कि मैं इसको S3 बकेट के लिए ग्रुप बना रहा हूँ।
नेक्स्ट अटैच पॉलिसी, मैं कोई पॉलिसी को नहीं दे रहा हूं, नेक्स्ट करके क्रिएट कर दिया, एक और ग्रुप बना रहा हूं, क्रिएट ईसी टू फुल एक्सेस। नेक्स्ट कोई परमिशन नहीं दे रहा क्योंकि ये डिफॉल्ट पॉलिसीज हैं जो अमेजोन ने बना रखी हैं। सो आप डिफॉल्ट पॉलिसीज भी यूज कर सकते हो या आप अपनी भी पॉलिसीज बना सकते हैं, तो हम अपनी ही बनाएंगे, मैं कोई भी डिफॉल्ट नहीं करूंगा। अगर आप डिफॉल्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट एक्चुअल सिनेरियो में आपको अपना कस्टम सेटिंग्स आनी चाहिए क्योंकि आपको कंपनी के अकॉर्डिंग रूल्स बनाने हैं। तो अगर आप कंपनी के अकॉर्डिंग रूल्स बनाएंगे तो आपको वो सारी चीजें खुद से आनी चाहिए। Then next and create group. So guys देखिए number of zero, कोई भी users मेरा add इसमें नहीं है। So अब अगर आपको user add करना है तो दो तरीके हैं, या तो आप group से जाके user select कर लो या user से जाके group select कर लो। So सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं user से जाता हूँ और group select करता हूँ। तो how to add user in a group? So how to add user in a group? So click on user, जिस भी यूजर को एड करना है, लाइक मैं कहता हूं अजय यूजर को, क्लिक ऑन यूजर एंड क्लिक ऑन ग्रुप एंड एड यूजर टू ग्रुप एंड सिलेक्ट द ग्रुप। और मैंने इनको राइट दे दिया ईसी टू फुल एक्सेस के। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, क्लिक ऑन यूजर्स, इस बार मैं सिलेक्ट कर लेता हूं लाइक बलजीत, क्लिक ऑन ग्रुप्स, एड ग्रुप्स, और बलजीत को मैं राइट दे देता हूं एस थ्री फुल एक्सेस के। अगेन रिपीट। अब मैं क्या कर रहा हूं, दूसरा ऑप्शन आता है या हाउ टू ग्रुप, हाउ टू एड ग्रुप विद यूजर, हाउ टू एड ग्रुप विद यूजर, यानी कि आप ग्रुप पे जाइए। तो यहाँ पे एक एक यूजर एड है, मुझे अगर कोई और यूजर भी एड करना है इजी टू फुल एक्सेस में, तो क्लिक ऑन इजी टू फुल एक्सेस और यूजर्स में जाके एड यूजर टू ग्रुप एंड यहाँ पे लाइक का मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ गुरमीत, या मैं ले लेता हूँ राकेश, और मैंने यहां पे राकेश को ऐड कर दिया पर्टिकुलर किस ग्रुप के अंदर, ईसी टू के अंदर, लाइक अगेन ग्रुप एस थ्री फुल एक्सेस एड यूजर टू ग्रुप सिलेक्ट द गुरमीत एड यूजर। इज इट क्लियर गाइस? यस सर, दोनों राइट्स मिल जाएंगे। एक यूजर मल्टीपल ग्रुप्स में हो सकता है, तो वो आपके ऊपर है कि आप किसी यूजर को EC2 और S3 दोनों के राइट देना चाहते हो, किसी को आप डेडिकेटेड राइट देना चाहते हो। तो ये सारा कॉन्सेप्ट ऐसा है जैसे आप अपना स्कूटर और बाइक चलाते हो कि कब ब्रेक मारनी है, कब स्टेयरिंग चलाना घुमाना है, कब क्या चलाना है। तो एज पर द रिक्वायरमेंट आप गाड़ी चलाते हो ना, एज पर द रिक्वायरमेंट ही आपको पॉलिसीज भी इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी। बिल्कुल, क्या आप अपनी नई गाड़ी छोटे भाई को या दोस्त को दोगे या नहीं दोगे? सो होप सो गाइस ये दोनों ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं पॉलिसी पे। सो गाइस अब आता है हाउ टू क्रिएट पॉलिसी। सो दो ऑप्शंस के बाद तीसरा ऑप्शन है पॉलिसी, और पॉलिसी का मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि या तो आप पॉलिसी डायरेक्ट अटैच कर सकते हो किसके साथ, यूजर्स के साथ, या आप पॉलिसीज को डायरेक्टली अटैच कर सकते हो ग्रुप के साथ। गॉट इट माई पॉइंट? सो हम क्या करते हैं, हम यूजर के साथ अटैच नहीं करेंगे, करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, मैं वो दिखा दूंगा। मैं ग्रुप के साथ अटैच करूंगा और जिस भी ग्रुप के साथ अटैच करूंगा वो अपने यूजर से लॉग इन होकर देख लेना, वो काम उसको मिल जाएगा। सो आई एम क्रिएटिंग द पॉलिसी फॉर लाइक का, मैं अभी देना चाहता हूं कि S3 के राइट्स। तो गाइस मैं यहां पर आपको S3 स्टोरेज के राइट्स देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी बकेट्स कोई भी यूजर काम कर सके, और S3 के भी मैं फुल एक्सेस के राइट्स देना चाहता हूं
देयर आर द 300 प्लस पॉलिसीज। S3 के अंदर आई थिंक 200 से ज्यादा पॉलिसीज हैं, यानी कि S3 पर ही आप 200 से ज्यादा रूल्स बना सकते हो। वो सारे रूल्स अब आपको दिखाई देंगे कि आप S3 पर कौन सी पॉलिसीज लगाना चाहते हो। मैं सिर्फ फुल एक्सेस की लगाऊंगा, तो बाकी की 200 पॉलिसीज, 200 प्रैक्टिकल आप खुद से करके देखना, वो सब आप पढ़ो और लगाओ। EC2 में 400 पॉलिसीज हैं, तो 400 लैब्स आपके पास हो गई कि 400 पॉलिसीज लगाओ वन बाय वन और करो। बट आप, मुझे पता है आप लोग इंडियन हो और इंडियन सबसे ज्यादा बिजी रहता है। क्यों भाई, एक दो लगा ले पॉलिसी वही बहुत है। वही मैं कह रहा हूँ, जितना बता दिया उतना ही करने तो काफी है। कोई नहीं, मैं भी इंडियन हूँ यार, मैं भी एक दो ही लगा के दिखाऊंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू क्रिएट पॉलिसी। तो गाइस देखिए, मैंने आपको बताया था कि कुछ पॉलिसी तो हमारी डिफॉल्ट बनी हुई है। तो देखिए, जब आप पॉलिसीज पे क्रिएट करोगे तो यहाँ पे आपकी वो सारी डिफॉल्ट पॉलिसी आएंगी जो अमेजोन ने बना के दी है। ये सारी पॉलिसीज अमेजोन ने पहले से बना रखी है, बहुत है, 200 से भी ज्यादा पॉलिसीज है। या आप अपनी पॉलिसी बनाना चाहते हो कस्टम, तो मैं कहता हूं क्रिएट पॉलिसी, क्लिक ऑन क्रिएट पॉलिसी। एंड अब पॉलिसी के बाद यहां पे आ रहा है कि आप पॉलिसी किस चीज के लिए बनाना चाहते हो, तो सिलेक्ट द सर्विस। यहां पर पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी कि आप पॉलिसी किस चीज के लिए बनाना चाहते हो, अकाउंट से रिलेटेड, एक्टिविटीज से रिलेटेड, या ELB इलास्टिक लोड बैलेंसर से रिलेटेड आप बनाना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सारी सर्विसेज आ रही हैं और हम लोग बनाना चाहते हैं S3 से, तो सिलेक्ट द S3। अब वो S3 पर कितनी पॉलिसीज लग सकती हैं वो सारी पॉलिसीज आपको दिखा रहा है। सो मैं यहाँ पे एक्सपेंड करके आपको दिखा देता हूं, ये S3 की सारी पॉलिसीज हैं। लिस्ट ऑफ बकेट आप देखना चाहते हो या जॉब्स आप देखना चाहते हो, या आप जो भी काम S3 पर लगाना चाहते हो खाली पुट कर सकते हो, टैगिंग से रिलेटेड, राइटिंग से रिलेटेड, आप क्या करना, वर्जनिंग से रिलेटेड आप लगाना चाहते हो, वेबसाइट से रिलेटेड लगाना चाहते हो, व्हाटएवर, जो भी पॉलिसीज आपको लगानी है। मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूं, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ऑल S3। तो देखिए, इसने सारी पॉलिसी सिलेक्ट कर ली। आपकी परमिशन मैनेज 11 पॉलिसीज हैं, राइट यानी कि जो भी आपको बकेट में लिखना है उससे रिलेटेड 36 पॉलिसीज हैं, टैगिंग से रिलेटेड 10 पॉलिसीज हैं, रीड क्या चीज रीड कराना चाहते हो या राइट कराना चाहते हो, तो राइट से रिलेटेड 36 है, रीड से रिलेटेड 47 है, लिस्ट से रिलेटेड 7 पॉलिसीज हैं। तो इन सब पॉलिसीज को आप वन बाय वन देख सकते हो। उसके बाद रिसोर्सेज के अंदर ही यही लिस्ट रिसोर्सेज के अंदर भी आपकी आ रही है, यही सारी पॉलिसीज। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ऑल रिसोर्सेज, एंड ये मैंने अपनी पॉलिसी सेलेक्ट कर ली। पॉलिसीज के अंदर रूल मैंने दे दिया ऑल का। नेक्स्ट टैग देना चाहते हो दे दो, लाइक का मैं यहां पे दे देता हूं पॉलिसी नेम, लाइक का GURMET गुरमीत -S3-FU फुल एक्सेस। मैंने S3 की पॉलिसी बनाई है ना, ये देखिए ना, S3 फुल एक्सेस ऑल रिसोर्सेज लिखा आ गया, आ तो रही थी, वही तो दिखाया था, एक्सपेंड करके दिखा तो दे, जो मर्जी है लगाओ। सो गाइज, यहां पर मैंने उसका नाम दे दिया पॉलिसी का, एंड क्रिएट पॉलिसी। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मैं एक और पॉलिसी बना रहा हूं S3 के अलावा EC2 की। सो EC2 में भी आप सिक्योरिटी ग्रुप बनाना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, की पेयर, लोड बैलेंसर, तो EC2 के अंदर जो जो काम करते हैं वो सारे ऑप्शंस वहां पर आएंगे। सो गाइज, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ क्लाउड। सो क्रिएट पॉलिसीज एंड सिलेक्ट द सर्विस।
EC2, तो EC2 ऑटो स्केलिंग अलग आ रही है उसमें। और सिलेक्ट ऑल या लाइक यहाँ पे भी एक्सपेंड करके आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक्सपेंड देख लीजिए। और यहाँ पे देखिए ये सारी पॉलिसीज आ रही हैं, लिस्ट की पॉलिसीज आ रही हैं, की पेयर से रिलेटेड सारी चीजें, या आपके रीड से रिलेटेड पॉलिसीज आ रही हैं, टैगिंग से रिलेटेड क्रिएट टैग और डिलीट टैग। आप ऑप्शन दे दीजिए, क्रिएट टैग तो आप टैग लगा सकते हो, डिलीट नहीं कर सकते, फिलहाल कुछ अप्लाई नहीं है। राइट, आप क्या क्या काम कर सकते हो, क्रिएट वीपीएन कनेक्शन, क्रिएट वीपीएन गेटवे, जो जो चीज आप EC2 में काम कर सकते हो वो सारा है। क्रिएट डिलीट की पेयर, तो आप अगर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो डिलीट की पेयर का काम आप नहीं कर सकते हो। वट एवर जो भी आपको ऑप्शन मिलेंगे वो राइट्स मिल जाएंगे, यानी कि डिलीट की पेयर ही कर सकते हो जिस भी यूजर के साथ अटैच करेंगे। फाइन, तो यहाँ पे मैं जो पॉलिसी सिलेक्ट करूंगा वो ही राइट्स मिलेंगे। लाइक मैंने अगर यहाँ पे दे दिया डिलीट की पेयर, तो आप सिर्फ की पेयर ही डिलीट कर सकते हो, उसके अलावा कुछ और काम ही नहीं कर पाओगे। क्रिएट मतलब की पेयर के अलावा भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि बाकी सब ऑटोमेटिकली डिनाई हो जाएंगी। जो पॉलिसी आप यहाँ दोगे वो ही अलाउड होगा, बाकी सारी चीज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, डिनाई। यानी कि इसी को हम इनलाइन पॉलिसीज भी बोलते हैं। सो ये सारी पॉलिसीज हैं और आप देख सकते हैं काफी सारी पॉलिसीज हैं EC2 से रिलेटेड। एंड आई एम जस्ट अगेन इसको ऑल पॉलिसीज, सो अराउंड 124, 287, 22, 25। ऑल रिसोर्सेज, नेक्स्ट नेक्स्ट, नेम GURMET हाइफन EC2 हाइफन FU फुल एक्सेस। एंड यहाँ भी देखिए फुल एक्सेस आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने वहां पे सारी ले ली थी। एंड क्रिएट पॉलिसी, क्लियर है गाइस, पॉलिसी क्रिएट कर लोगे, बहुत आसान है। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर, क्योंकि अब आगे के जो भी यस टॉपिक्स होने हैं ना सर, उसमें हमारा ये सब यूज होने हैं, ओके, और जो पुराने हो चुके हैं उनमें आप लोग खुद से करोगे, बट इतना पड़ेगा कौन। अब आता है हाउ टू अटैच पॉलिसी विद यूजर और हाउ टू अटैच पॉलिसी विद ग्रुप। देखिए अगर आप यूजर के साथ अटैच करना चाहते हैं तो आप पर्टिकुलर जिस भी यूजर के साथ अटैच करना चाहते हैं तो यूजर पे जाइए, लाइक अजय यूजर है, और यहाँ पे देखिए ऐड परमिशंस, प्रॉपर्टी में ऑप्शन आ रहा है ऐड परमिशंस का, एंड यहाँ से जाके अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसी, और यहाँ पे सर्च कर लीजिए लाइक गुरमीत। देखिए गुरमीत से रिलेटेड दोनों पॉलिसीज मेरी आ गई। अब मैं अगर दोनों पॉलिसीज गुरमीत इस यूजर के साथ अटैच करता हूं तो उनको वो दोनों राइट्स मिल जाएंगे। नहीं, ये यूजर के साथ बता रहा हूं मैं। और अगर आप ग्रुप पे भी जाते हैं तो ग्रुप के सेम ही कॉन्सेप्ट है। लाइक मैं ग्रुप पे गया, मैं EC2 वाले को EC2 वाली पॉलिसी देना चाहता हूँ, तो क्लिक ऑन ग्रुप देन परमिशन, तो उसने बता दिया कि यहाँ पे दो यूजर ऐड हैं, राकेश एंड अजय, परमिशंस अटैच पॉलिसी, और यहाँ पे फिर से वो सिलेक्ट, और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। और गुरमित करा और मैं EC2 फुल एक्सेस की पॉलिसीज यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ, यानी कि अब मैंने अगर EC2 की पॉलिसी अटैच करी तो राकेश और अजय को किस चीज के राइट्स मिल जाएंगे, EC2 के, जो अभी आपको रिट्राई रिट्राई दिखा रहा था। तो बलजीत एंड गुरमीत, आप अपने यूजर से लॉगिन होइए और बताइए क्या आप EC2 में कोई काम कर पा रहे हो, और अजय जी आप अपने लॉगिन होके बताइए क्या आप की पेयर बना पा रहे हो, और मैं भी लॉगिन हो जाता हूँ। तो MFA डिवाइस हमने ऐड करा हुआ है तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन काम करेगा यहाँ पर। तो ये मैं यूजर से लॉग इन ही हूँ गाइस यहाँ पर, और मैं चलता हूँ अपना S3 पर, और गाइस S3 पर जाके अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर मेरे पास बकेट बनाने के कोई राइट्स नहीं होंगे। यू डोंट हैव परमिशन टू लिस्ट बकेट, क्यों, क्योंकि मैंने जो राइट्स दिए हैं वो EC2 के हैं। तो EC2 के अंदर अगर मैं जाऊंगा तो मेरे को सारी चीजें मिलेंगी। तो गाइस देखिए EC2 के सारे ऑप्शंस मेरे पास आ गए। मेरे में सब पे भी एरर,
वो एपीआई का आने दो, रिफ्रेश करना अपडेट हो जाएगा, वो गेटवे का है। आपने अजय और गुरमीत को तो एक्सेस दिए हैं, मुझे कहाँ एक्सेस दिया है? क्या EC2 में? EC2 में एक्सेस हो ना आप? नहीं, मेरा नाम नहीं डाला आपने। अजय जी डाला हुआ है। फिर मैं बलजीत हूँ। अच्छा बलजीत, मैं आपको कह रहा हूँ आपके पास एक्सेस नहीं हो रहा होगा। अच्छा ओके सर। गुरमीत के पास भी नहीं होगा क्योंकि मैंने राइट्स ही दिए हैं पर्टिकुलर, जिस ग्रुप को राइट्स दिए हैं, जिस ग्रुप को राइट्स दिए हैं उस ग्रुप में जो यूजर है उन्हीं को तो परमिशन मिलेंगी, तो इसलिए मेरे को EC2 के राइट्स मिल गए। नहीं बट S3 को भी मैंने पॉलिसी दी कहा है, अभी मैंने पॉलिसी अटैच ही नहीं करी है। गाइज अब देखिए कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मेरे पास S3 के राइट्स नहीं है और अजय जी के पास भी S3 के राइट्स नहीं है, बट मैं S3 के राइट्स लेना चाहता हूँ और अजय जी को नहीं देना चाहता, तो मैं उस सिनेरियो में क्या करूंगा गाइज, मैं उस सिनेरियो में क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट अपने यूजर पे जाऊंगा और यूजर पे जाने के बाद क्लिक ऑन पर्टिकुलर राकेश, यहाँ पे वो बता रहा है कि एड परमिशन, और परमिशन में जाने के बाद मैं S3 फुल एक्सेस की परमिशन जो गुरमीत वाली है, एक मिनट, ये तो मेरा ग्रुप है अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसीज एंड गुरमीत, वो यूजर आ रहा है, वो ग्रुप आ रहा है और गुरमीत S3 फुल एक्सेस, यानी कि अब मैंने क्या करी, मैंने उनको तो परमिशन कौन सी दे दी है EC2 की, लेकिन मैंने दो पॉलिसीज यूज करी हैं, एक मैं ग्रुप के साथ हूं और एक डायरेक्ट भी है मेरे पास, तो इसलिए मेरे पास अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर मैं और आप दोनों तो सेम ग्रुप में, बट आपके पास तो S3 भी मिल रहा है और EC2 भी मिल रहा है, मेरे पास क्या मिल रहा है, सिर्फ EC2 ही मिल रहा है, बट मेरे पास दो पॉलिसीज है, मेरे यूजर पे भी डायरेक्ट पॉलिसी एप्लीकेबल हो रखी है और एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ भी, तो अब आप देखिए कि मैं अब अपने अकाउंट में जाता हूँ और S3 स्टोरेज पे जाता हूँ, जो पहले एक्सेस डिनाइड आ रहा था अब वो S3 एक्सेस नहीं आएगा, वो एरर मेरे पास, और क्रिएट बकेट और जो भी मेरी बकेट्स हैं वो बन गए, लेकिन अभी आपको ये बकेट्स नहीं दिखाई दे रही होंगी, अब जैसे मैं S3 ग्रुप को वो ऐड कराऊंगा क्या पॉलिसी, आप देखिए आपके पास भी S3 स्टोरेज के राइट्स आ जाएंगे, सो चलते हैं क्लिक ऑन ग्रुप, ग्रुप्स क्या हुआ, लगता है S3 के ही परमिशन दे रही क्या, गाइस चेक करिए। इसके अलावा अब एक और चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं, क्लियर है बलजीत, तेजस्विनी, विधि, मनोज, परवीन, एवरीवन प्लीज रिप्लाई। यस सर। यस सर। सर हो रहा है। अब इससे आगे का आप लॉजिक समझिए गाइस, जो भी अपने यूजर से लॉगिन है क्या वो बिल चेक कर पा रहे हैं अपना, लाइक यहाँ पे आइए माय अकाउंट नहीं, और माय अकाउंट में जाके माय बिलिंग डैशबोर्ड पे जाइए तो आपको परमिशंस नहीं है, क्योंकि परमिशंस मैंने आप लोगों को पर्टिकुलर डेडिकेटेड परमिशन दी हुई है। कमाल यार, यहाँ तो खुल रहा है, मेरे एंड पे खुल रहा है, आपके एंड पे नहीं खुलेगा क्योंकि मैं एडमिन पे हूँ, मैं एडमिन पर हूँ, मेरा यूजर ही है, और अगर मैं यूजर पे खोलता हूँ तो यूजर पे नहीं खुलेगा, एडमिन पे खुल रहा है क्योंकि मैं देखिए एक विंडो मेरी इनकॉग्निटो पर है, तो यहाँ पर बिलिंग का नहीं आ रहा। अब मैं चाहता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट हैं, लाइक मेरा बिलिंग डिपार्टमेंट के लिए मैं बिलिंग यूजर को भी डेडिकेटेड देना चाहता हूँ, तो बिलिंग के लिए भी मुझे क्या, मैं एक बिलिंग का ग्रुप बना दूं और चारों यूजर उस ग्रुप में ऐड कर दूं तो मेरे को बिलिंग के राइट, लेकिन बिलिंग के लिए आपको एडमिन से एक एडिशनल सेटिंग अप्लाई करनी पड़ेगी जो कि बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड रहती है। बिलिंग पॉलिसी भी बनाएंगे, मैंने बोला ना कोई राइट्स नहीं है, जो जो भी काम करना है वो सब करना पड़ेगा। सो अभी बिलिंग ऑप्शन नहीं खोल रहा, सो अगर हाउ टू, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी पॉलिसी क्रिएट कर लेते हैं,
चलते हैं अपना एक ग्रुप क्रिएट करते हैं, फिर हम उसी ग्रुप में जाके बिलिंग की पॉलिसीज भी बनाएंगे, या फिर मैं पहले पॉलिसी क्रिएट कर लेता हूँ। सो आई एम जस्ट लॉग इन विद दिस पर्टिकुलर अकाउंट एंड गो टू IAM। अब मुझे बिलिंग से रिलेटेड कोई काम करना है, मैं चाहता हूँ बिलिंग एक्सेस, तो मैं क्या गया IAM के अंदर गया। IAM के जाने के बाद मैंने सबसे गया पॉलिसीज पे, पॉलिसीज पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे क्रिएट कर पॉलिसी, और क्रिएट पॉलिसीज में जाके मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा बिलिंग, मैंने यहाँ पे बिलिंग सिलेक्ट कर लिया, बिलिंग से रिलेटेड सारी पॉलिसीज मैंने सिलेक्ट कर ली, फाइन। और नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पे नाम दे दिया GURMET गुरमीत हाइफन बिलिंग, बिल का नाम दे दिया एंड क्रिएट पॉलिसी। लाइक आपकी कंपनी ने बोला इस पर्टिकुलर इशू को बिलिंग के राइट दे दो, आपने पॉलिसी क्रिएट करी, देन क्लिक ऑन ग्रुप्स, क्रिएट ग्रुप एंड लाइक बिलिंग ग्रुप, नाम दे दिया बिलिंग ग्रुप का, नेक्स्ट बिलिंग हाइफन ग्रुप आएगा एंड पॉलिसीज यहाँ पे गुरमीत S3 फुल एक्सेस आ रहा है। सो सुरम गुरमीत कहाँ गया भाई, और भी आ जाओ, कोई नहीं सर्च ही कर लेते हैं जी। तो गुरमीत बिल के नाम से आ गई पॉलिसीज, नेक्स्ट एंड क्रिएट ग्रुप एंड सिलेक्ट क्लिक ग्रुप एंड यूजर्स, एड यूजर्स इनटू ग्रुप एंड सिलेक्ट द ऑल यूजर्स, एड सबको देना चाहता हूं मैं। हाँ, तो वो पॉलिसी इसलिए कि मैंने ग्रुप के और भी पॉलिसी लगानी हो, मैंने अभी क्या ग्रुप बनाते वक्त पॉलिसी सिलेक्ट कर ली ना, अगर मैं बनाते वक्त नहीं करता बाद में ऐड करनी है तो वहीं से करेंगे, या लाइक पहले वाले में मैंने पॉलिसी वहीं से अटैच कराई थी, या लाइक कि ये है ना कि लाइक मैंने ग्रुप पे आया और ग्रुप पे आने के बाद मुझे अब EC2 की पॉलिसी लगानी है इसी ग्रुप पर, तो यहाँ पे जाके परमिशन पे जाके मैं अटैच पॉलिसी कर दूंगा, और एक पॉलिसी लग गई ना, शो कर गया ना। हाँ, ये तब दोनों तरफ है यार, या तो आप ग्रुप बनाने के बाद पॉलिसी लगा लो, या ग्रुप बनाते वक्त ही पॉलिसी सिलेक्ट कर लो, अगर बाद में लगानी है तो अटैच पॉलिसी करोगे, या आप ग्रुप बनाते वक्त ही कर लो, बाद में भी तो एडिटिंग कर सकते हो ना, अब दोनों कर सकते हो। अब मुझे ये पॉलिसी रिमूव करनी है यहाँ से, तो मैं अटैच पॉलिसी में जाके अनचेक कर दूंगा, यहीं से आ जाएगा सीधा डिलीट पॉलिसी। अब गाइस देखिए कि अब इसके अलावा आपको एक और सेटिंग करनी पड़ेगी रूट पर, अगर आप बिलिंग के लिए करते हो, ओनली बिलिंग के लिए, ग्लोबल यानी कि अपने एडमिन यूजर पे गए और उसके माई अकाउंट ऑप्शन में जाना है आपको, और माई अकाउंट में आपकी IAM सेटिंग्स होती है एक, अदरवाइज ये बिलिंग वाली पॉलिसीज अप्लाई नहीं होगी। ये तो रीजन आ गए, अबे कित हो गई, अल्टरनेट कॉन्टेक्ट डिटेल रीजंस, IAM यूजर एंड रोल एक्सेस टू बिलिंग, यहां पर आपको आना है, एडिट करना है, और यहां पे ये एक्टिव IAM एक्सेस पे टिक करके अपडेट कर देनी है। अगर ये IAM एक्टिव IAM एक्सेस नहीं होगा और आपने पॉलिसी बना भी थी तब भी आप बिलिंग नहीं देख पाओगे। गाइज अब आप अपना यूजर चेक कर सकते हो, आप लोग बिल भी देख सकते हो, जस्ट रिफ्रेश। ओके, क्लियर है इतना? यस सर, आ रहा है, हो रहा है, क्लियर है। तो पहले इतना बताइए, इतना काफी है या कंटिन्यू करें? रोल वाला ऑप्शन आज ही स्टार्ट करें? काफी है, वोटिंग लाइनें खुली हुई है अभी। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस करिए, दो चीज जरूरी है,
सैनिटाइजर और मास्क, इसी तरीके से दो चीज जरूरी है पढ़ने के लिए भी, पता है ना गाइस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर कल सेम टाइम पे 12:30। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। ओवर करें गाइस? यस सर, यस।